कौन बनेगा महापौर, कौन बनेगा पार्षद, हम जानेंगे नगर निकाय की चुनावी यात्रा, हम जानेंगे जनता की राय और बताएंगे आपको किसके सिर रहेगा जीत का ताज। तो देखना ना भूलें हमारा खास कार्यक्रम चुनावी यात्रा सिर्फ C20 न्यूज पर। नमस्कार, मैं विनय प्रताप सिंह। आज हम पहुंचे हैं सिकोवाद। सिकोवाद कहीं ना कहीं सारी जो चुनाव चल रहे हैं इसमें सरगर्मियां तेज हैं। कहीं ना कहीं ये तीनों सपा बसपा भाजपा तीनों फाइट में हैं। यहाँ पर इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 6 से। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं सभासद श्री करण सिंह जी, इनसे जानने का प्रयास करेंगे किस प्रकार से ये चुनावी मैदान में आए। कहीं ना कहीं ये बहुत ही सौम्य स्वभाव के इंसान हैं, इन्हें राजनीति से कुछ ज़्यादा लगाव नहीं है, फिर भी लोगों के कहने पर ये खड़े हुए। किस प्रकार से ये सभासद अगर ये बनते हैं किस प्रकार से काम करेंगे, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार सर जी। नमस्कार, मैं करण सिंह। आपको अगर जनता मौका देती है, सभासद बनाती है यहाँ से, तो आप क्या कुछ नया करके दिखाएंगे इन लोगों के लिए? अगर जनता मुझे सभासद बनाती है तो जो काम अधूरे पड़े हैं नाली नालों के, रोडों के, इनको मैं पूरा करूंगा, करवाऊंगा जनता के ही, और इनको सब पूरा काम करवाऊंगा। आपके वार्ड नंबर 6 में मूलभूत जो समस्या हैं वो क्या हैं? सबसे यार पहले पानी भरा रहता है, लीढ़ियाँ निकल नहीं पाती हैं, गिर जाती हैं, किसी के पैर टूट जाते हैं, किसी के हाथ टूट जाते हैं, पानी की दिक्कत है, और नाली नालियों की, और फिर उसके बाद सड़क भी। जैसा कि जो अभी तक जो सभासद हुए हैं उन्होंने कोई ये कार्य नहीं कराए? नहीं, उसने कुछ कराया ही नहीं, 5 साल में उसने कुछ नहीं कराया, उसने अपना ही घर उधर ही चमका लिया बस। जैसे आप सभासद बनते हैं तो आप किस प्रकार से इन लोगों के लिए हर चीज़ पर खरा उतरेंगे? अगर मैं सभासद बनता हूँ तो दिल्ली के मॉडल पर जैसे काम हो रहा है, केजरीवाल जी कर रहे हैं, तैसे ही करूँगा मैं। अभी जैसे बहुत से लोगों की शिकायत होती है कहीं ना कहीं रात को, या कभी कॉल करते हैं, बहुत से लोग कॉल नहीं उठाते सभासद बनने के बाद, कहीं ना कहीं समय नहीं देते जनता को, तो आप क्या कुछ उसमें? नहीं, मैं तो समय दूंगा सबको, मैं तो 24 घंटे समय दूंगा, नंबर लिखा जाएगा बोर्ड पे, आप किसी भी टाइम पे फ़ोन किए मैं उस टाइम पे कर चलूँगा, कोई बात होती है। हमारे चैनल के माध्यम से जो आपके वोटर हैं उनसे किस प्रकार से आप अपील करना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे? वोटरों से मैं ये कहना चाहता हूँ, मुझे सहयोग दें, मुझे सभासद एक बार बना के देखें, तब पता चलेगा मैं काम करूँगा या नहीं करूँगा, वो आप देखना अगले 5 सालों में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ थे वार्ड नंबर 6 से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी श्री करण सिंह जी। इन्होंने बताया किस प्रकार से ये कार्य करेंगे, जिस प्रकार से केजरीवाल का आदेश होगा वहाँ से जिस प्रकार से रूपरेखा रची जाएगी उसी हिसाब से ये कार्य करेंगे। वार्ड नंबर 6 में किसी को भी किसी चीज़ की समस्या नहीं होगी, मैं हर 24 घंटे अवेलेबल रहूँगा, ये करण सिंह जी का कहना है। कैमरा मैन निखिल के साथ विनय प्रताप सिंह, शिकोहवा। अजी क्या सोच रहे हो? हम यही सोच रहे हैं कि बच्चों का एडमिशन कौन सी स्कूल में और कहां कराया जाए। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे ऐसे स्कूल में पढ़ने जाएं जहां हिंदी और इंग्लिश मीडियम हो और नवोदय सैनिक स्कूल की तैयारी कराई जाती हो। हाँ हाँ, तो सुनिए, अपने पड़ोसी शर्मा जी हैं ना, उनके बच्चे होली पब्लिक स्कूल में ही तो पढ़ते हैं शिकोहाबाद में। इस विद्यालय में सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो ठीक है राधा, हम भी अपने बच्चों का एडमिशन होली पब्लिक स्कूल शिकोहाबाद में ही कराएंगे। हाँ चलिए। जी हाँ, आप भी अपने बच्चों का एडमिशन होली पब्लिक स्कूल शिकोहाबाद में कराएं और बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलाकर बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाएं। उत्तम शिक्षा का सर्वोत्तम विद्यालय होली पब्लिक स्कूल माधोगंज शिकोहाबाद।
होली पब्लिक स्कूल में आवासीय सुविधा उपलब्ध, कुशल अनुभवी क्वालिफाइड टीचरों द्वारा सर्वोत्तम शिक्षण कार्य, खेल खेल में बच्चों को पढ़ाना सिखाना, आधुनिक कंप्यूटर लैब, कमजोर बच्चों के लिए अलग से कक्षाएं संचालित, आवासीय बच्चों के रहने व खाने पीने की उत्तम व्यवस्था उपलब्ध है। नवोदय, मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल और विद्या ज्ञान की तैयारी कराई जाती है। आप अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए, उत्तम शिक्षा दिलाने के लिए आप अपने बच्चों का एडमिशन होली पब्लिक स्कूल शोहाबाद में ही कराएं। एडमिशन ओपन, प्रवेश प्रारंभ। नर्सरी से कक्षा 9 तक विद्यालय का नाम और पता नोट कीजिएगा, होली पब्लिक स्कूल माधोगंज शिकोहाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 9456628309 एंड 9456628310। होली पब्लिक स्कूल शिकोहाबाद।